न्यायमूर्ति मुद्रा मिश्रा जी, मेजर जनरल अनिल वर्मा जी और प्रशांत भूषण जी, और बीएसआईडीसी के चेयरमैन और सेक्रेटरी और अतिथिगण, आप सभी को ब्रज किशोर स्मारक प्रतिष्ठान की तरफ से मैं स्वागत करता हूं। बहुत खुशी है कि आप लोग आए हैं आज इस सेमिनार में भाग लेने। सेमिनार के बारे में और जो वक्ता हैं उनके बारे में बोलने के पहले थोड़ा ब्रजकिशोर बाबू के संबंध में आपको बता दूं, क्योंकि ब्रजकिशोर स्मारक प्रतिष्ठान उन्हीं की याद में बना है। इसकी नींव डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने रखी थी। ये सदाकत आश्रम में बिहार विद्यापीठ कैंपस में लगा हुआ है और जयप्रकाश नारायण ने इसका पूरा ये किया था, उस संग्रह किया था, इसे बनाया था, और जे बी कृपलानी ने 1956 में इसे का उद्घाटन किया था। और ब्रजकिशोर बाबू तो जो बिहार के हैं उनको जानते ही हैं कि वे गांधी जी के निकटतम सहयोगी थे, और गांधी जी बिहार को ब्रजकिशोर का बिहार बोलते थे। और जब भी ब्रजकिशोर बिहार में गांधी जी आए अपने जीवन काल में और ब्रजकिशोर जी के जीवन काल में, ब्रजकिशोर जी को साथ रखे, क्योंकि बिहार को समझने के लिए उन्हें ज़रूरत था एक सहयोगी का, जो ब्रजकिशोर बाबू ने उसको संभव किया। और एक छोटी सी बात एक ही है कि ब्रजकिशोर बाबू बहुत बड़े वकील थे, बहुत नामी वकील थे, बहुत पैसा कमाते थे, और एक शब्द गांधी जी के बोलने पर उन्होंने पूरी वकालत छोड़ दी और पूरा स्वतंत्रता संग्राम में लगे रहे, और जब मरे तो परिवार के लिए एक पैसा छोड़कर नहीं, तो ये उनका त्याग था। दूसरी चीज़ है संस्थान के बारे में थोड़ा सा बता दें, क्योंकि ये संस्थान चल रही है काफ़ी दिनों से, और इसका मुख्य उद्देश्य जो जयप्रकाश नारायण जी ने ही कहा था कि बिहार के बारे में और समस्याओं के बारे में पब्लिकेशन करना, प्रचार करना, सेमिनार करना और लोगों के बीच पहुँचाना। तो इस संस्थान ने करीब 15 किताबें छापी हैं, जिनमें सबसे प्रमुख किताब जो अभी छपी है वो 3 भागों में बिहार का गौरव, जो 1857 से लेकर 1947 तक बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में, साहित्य में, कला में, म्यूजिक में, सोशल साइंस में, आपके पॉलिटिक्स में, जो लोग पैदा बिहार में हुए हैं, जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, उसका, उनकी जीवनी का एक छोटा संकलन करके 3 भाग में ये किताब छपी है। और बिहार के लोग इसे पढ़ें, बाहर के लोग पढ़ें, क्योंकि हम लोग बिहार के लोग भी इनको नहीं जानते हैं, उसी के लिए ये छापा गया है। ऐसे बहुत सारे किताबें, 15 किताब सेट्स बने हैं, बाहर किताबें हैं। एक और चीज़ हम करते हैं 14 जनवरी को ब्रजकिशोर संस्थान की तरफ से, कि बिहार के विभूतियों को खोजते हैं भारत में या दुनिया में कहाँ पर हैं, जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है बिहार का, बिहार के जन्मे हैं, अच्छा काम किया है और उन्हें लोग जानते नहीं हैं, और उनको हम लोग 14 जनवरी को सम्मान करते हैं और लोगों को मैंने रिकग्नाइज करते हैं कि उन्होंने बिहार के लिए, बिहार के नाम के लिए बहुत कुछ किया है, और खोज खोज कर निकालते हैं। आपको आश्चर्य होगा कि यहाँ पर एक गांव है जहाँ पर सबसे ज़्यादा स्वतंत्रता सेनानी उस गांव से स्वतंत्रता संग्राम में लड़े थे, जो हम लोग को पता नहीं था, और उनमें से 3 स्वतंत्रता सेनानी अभी भी जीवित थे, 95+, और वो एक सुदूर गाँव है, खोज कर निकाला गया, और 95+ होने के कारण वो आ नहीं सकते थे लेने के लिए, तो हम लोग उनके गांव जाकर उनका सम्मान किए और तब उनसे कहानी सुने उस समय। इस तरह के बहुत सारे प्रयोग हम लोग करते रहते हैं, और चूंकि बिहार में हैं तो बिहार के लिए ही करते हैं, और बड़ी खुशी है कि बिहार के बाहर के लोग आ जाए हैं बिहार को कुछ सुझाव देने के लिए। हमारे यहाँ पर वक्ता जो लोग हैं बहुत प्रख्यात हैं, प्रशांत भूषण जी यहाँ बैठे हुए हैं, कोई इंट्रोडक्शन तो है नहीं, सुप्रीम कोर्ट में बहुत वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, और इन्होंने बहुत
समाज के लिए बहुत कुछ किया है और आज की परिस्थिति में तो इनका जो भाषण होगा बहुत ही सुनने लायक है। जस्टिस मृदुला मिश्रा जी हैं, जब भी हम लोग इनको बुलाते हैं अपने प्रोग्राम में ये तुरंत आ जाती हैं और आज तो मुख्य अतिथि हैं लेकिन सबसे पहले आई हैं। दुख है कि हम लोग थोड़ा देर से आए और वाइस चांसलर हैं चाणक्य यूनिवर्सिटी के, तो ये तो हम लोग को बहुत सहायता देती रहती है। और मेजर जनरल रिटायर्ड अनिल वर्मा जी हैं, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के हेड हैं। इसी एसोसिएशन के कारण आज हर एक जो भी खड़े होते हैं इलेक्शन में तो उनको अपना क्रिमिनल रिकॉर्ड देना पड़ता है, अपना संपत्ति का ब्यौरा देना पड़ता है और बहुत सारी, और इन्होंने बहुत लड़ाई लड़ी है और इनके आने से हम लोग एक और नई लड़ाई शुरू कर सकते हैं। तो आप लोग को फिर से वेलकम, धन्यवाद। धन्यवाद। मैं इसी अवस्था पर इसी सिचुएशन में चाहूँगा संस्थान से जो लेटेस्ट बुक पब्लिश हुआ है, सीरीज एक पब्लिश